वेलकम, नमस्कार, स्वागत आप सबों को यूट्यूब पे। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आपने डिमांड किया कि सर मेंसुरेशंस का एक एक कॉन्सेप्ट वाइज हमको कॉन्सेप्ट, पिछला वीडियो जाहिर सी बना था मेंसुरेशंस की, लेकिन थोड़ी उसकी क्वालिटी खराब थी क्योंकि उस समय हम लोग का अपना स्टूडियो नहीं था, तो उसमें लाइटिंग वोटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। और कॉन्सेप्ट वहां पर भी मैं दिया था, बहुत ही जानदार दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ मेंसुरेशन में। जैसे अभी ट्रायंगल के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, त्रिभुज के ऊपर 2D का, तो उसमें से जितने भी फॉर्मूले यूजेज होंगे उन सभी को शॉर्टकट में मैं वहाँ पे लॉन्ग कट में, अगर जिस बच्चे को जाना है तो बेसिक लेवल के वीडियो में जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, उतना तो लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दूंगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। तो अपने हेडिंग में डाल के लिख लीजिए अपने कॉपी में, आज हम लोग सबसे पहला चीज, ये पूरी वीडियो जो होगी वो ट्रायंगल की होगी और ये पूरी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से चलेंगे। एक एक चीज एकदम ध्यान से देख, एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन क्वेश्चंस कहां से कैसे कैसे हम लोग को चलना है। तो सभी बच्चे लोग गौर से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट सर कहां, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको यूज होंगे और जितनी भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरी मेंसुरेशंस खत्म हो जाएगी। अब कोई भी किताब बनाना, कहीं से भी दिक्कत होगी तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में डाल लेंगे हम लोग ट्रायंगल। देखिए मैं डिफिनेशन तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा। ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं, ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं हम लोग त्रिभुज। एकदम शॉर्टकट में थोड़ा समझा देता हूं, एकदम बहुत आराम से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं शॉर्टकट क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं। इस प्रकार की जो आकृति होती है वह त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब तीन रेखाखंडों को मिला देने पर बनी आकृति त्रिभुज होती है। ध्यान से देखिएगा मैं जो जो बता रहा हूं सो, तो यह जो होगा वो त्रिभुज होगी। तो आज हम लोग पूरा जो डिस्कस करेंगे वो त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी जानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे। एक भी क्वेश्चन त्रिभुज का रुका तो उसका गारंटी हम लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज में से हमने बताया था परिमाप, मतलब होता है परिमाप। एकदम ध्यान से तो आप लोग सुनते चलिएगा, नोट कर पाएंगे तो नोट करते चलिएगा, नहीं तो जिसको एकदम पूरा बेसिक से देना तो मैं एक एक चीज लिख दिया हूं, आप लोग जाके वहां पे बेसिक लेवल में 11-12 वीडियो पड़े हैं तो आप 12 वीडियो देख सकते हैं। एडवांस लेवल में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्वेश्चन पूछा है उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज दिया गया है, मैं हर में नहीं बताऊंगा कि परिमाप बराबर क्या होगा। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप, परे मतलब बाहर, माप मतलब लंबाई, किसी भी आकृति के बाहर के चारों ओर की लंबाई को परिमाप कहते हैं। परिमाप को इंग्लिश में पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको पैरामीटर बराबर AB प्लस BC प्लस AC होगा। अब यहाँ पे कंडीशंस बात आती है क्षेत्रफल की, कोई भी त्रिभुज का आकार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है क्षेत्रफल का, आप सब लोग एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देख लेंगे क्षेत्रफल में कंडीशंस क्या होती है, एकदम एक एक चीज एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर कोई त्रिभुज है और अगर किसी त्रिभुज का आधार पर किसी शीर्ष से अगर लंब डाल दिया जाए, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, यह त्रिभुज है और त्रिभुज के आधार पर अगर शीर्ष से कोई लंब डाल दिया जाए, आधार को हम लोग बी लिखते हैं और इसको हम लोग एच लिखते हैं, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, ठीक है। आप लोग एकदम रिपीट में नहीं करूंगा, ध्यान से देख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे जानना है, किसी भी त्रिभुज में तीन आधार हो सकते हैं और तीन लंब हो सकते हैं। कहने का मतलब है AB CDEF, कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने BC गुने AD, ठीक है, बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुने, जब हम लोग AC लेंगे तो हम लोगों को BE लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगला पार्ट को हम लोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला था। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा है, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला है। ये सब इन सभी को मैं वहाँ पे बेसिक में बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जानकारी इसलिए दे दूँ ताकि आपको अभी जो इसके बाद जो वीडियो आएगा बहुत जानदार क्वेश्चन जहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आप तुरंत समझ सकें। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा यहाँ पर ये मैं देने जा रहा हूँ, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, कॉन्सेप्ट नंबर टू, यदि कोई त्रिभुज दिया गया है जिसके तीन भुजाओं की लंबाई AB और CD दी गई है, केवल तीनों भुजाओं की लंबाई अगर ABC दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा,
रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, गौर से देखिएगा, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप, पैरामीटर का आधा होता है अर्ध परिमाप। एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मास्टर फार्मूला यही है, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। ये कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक एक चीज एकदम ध्यान से देख के लेके चलेंगे, एक एक बहुत ही मजे से मैं ये चीज बताऊंगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगला, अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट में क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया गया हो, समकोण मतलब जिसके एक कोण 90 डिग्री हो, इसका वीडियो है शायद पार्ट नंबर 4, 5, 6 होगा बेसिक में, बहुत जानदार मैं वहां पे बताया हूं, क्या बताया हूं, यह P होगा या B होगा या H होगा, वहां पे मैं बताया हूं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस संबंध, पी बी एच का जो संबंध होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बहुत जानदार है, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं, ट्रिपलेट निकालने का तरीका भी बताए हैं, तो ट्रिपलेट बहुत तगड़ा है, मैं अधिकांश क्वेश्चंस को ट्रिपलेट से करूंगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, तो ट्रिपलेट जाके बेसिक वीडियो वहां पे देख सकते हैं। ट्रिपलेट कहने का मतलब 3, 4, 5, 3, 4, 5 कहने का मतलब 3 का वर्ग अगर करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं 16, इन दोनों के वर्ग को अगर जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर में होगा, इसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे वहां पे एकदम एकदम रट्टा होना चाहिए, ठीक है, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169, वो 13 का है, ये ट्रिपलेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका स्पेशल वीडियो वहां पे जाके बड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोग को तुरंत तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा पहले पड़ा था। अगर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1/2 × P × B, ठीक है, P × B, एच सदैव बड़ी होती है, एच को हम लोग कर्ण कहते हैं, मैं यहाँ पे रिविजन करा रहा हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा, ये ट्रिपलेट में बता रहा हूं, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 × P × B। अब यहां पे गौर से देखेंगे अगला चीज हम लोग क्या है, एक एक चीज आराम से सीखते चलिए और डिस्कस करते चलेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज था, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट सभी बच्चे को एकदम आराम से पढ़ लेना है, ताकि एकदम बहुत ही मजे से आपको सीख पाए। अब यहां पे पॉइंट नंबर अगर 4 डालते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है ए, ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब समकोण भी और समद्विबाहु है, कहने का मतलब इसमें ए और ये बराबर होता है, पी बराबर बी होता है, जब पी और बी बराबर होगा तो इन दोनों के बराबर में हम एक्स अगर कहीं लिखते हैं तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर होगा, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2x, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एरिया क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो 1/2 × P × B, कहने का मतलब है 1/2 × x × x होगा, कहा जाए तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, परिमाप बराबर, जब इसका परिमाप निकालेंगे पहली भुजा x, दूसरी भुजा x, तीसरी भुजा √2x है, मैं बता रहा हूं, मैं यहां पे रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आगे बन सके, वहां पे मैं तुरंत बोलूंगा कि इसका परिमाप होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो वहां पे फॉर्मूला मैं बार बार निकाल के नहीं बताऊंगा। अगर यहां से √2x को कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे बचेगा √2 + 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, √2x यहां पे कर्ण है तो इसका ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कर्ण इंटू √2 + 1। ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना था, 4 था, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में लंब और आधार सदैव समान होती है, इस बात को एकदम ध्यान में रख के चलेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 खत्म हो गया बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है उसके बारे में हम लोग देख के लेके चलते हैं, तो एकदम एक एक चीज एकदम, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज अभी मैं रिविजन करा के मैं त्रिभुज का क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे, फिर क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट लेके वहां पे क्वेश्चन करा देंगे आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम लोग देखेंगे, यदि कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा,
इसका परिमाप बराबर होगा, तीनों भुजाओं का योग तीन ये होगा, एकदम आराम से। क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान देंगे, एस एस माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि वहाँ पर हीरोन फार्मूला में बताया था तीनों भुजाएं अगर ए बी सी होती तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं एस बराबर हम थ्री ए बाई टू अगर रख लेते हैं, परिमाप का आधा होता है, अगर यहाँ पर फिर सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आराम से इसका आंसर आएगा, एस माइनस क्यूब होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए तीन बार होगा ना, तो एस एस माइनस ए का होल क्यूब होगा। जब यहाँ पर थ्री ए बाई टू पुट करेंगे आराम से वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, रूट अंडर थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, अगर ऊंचाई निकालना हो, अगर देखिए ये भुजा बराबर है, यहाँ से अगर लंब डाल दिया जाए, यह h होगा, ये इसे दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा, कहने का मतलब ये जो होगा a बटे दो होगा। अगर गौर से देखते हैं, यहाँ पे अगर h हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे हम लोगों को मिलेगा रूट अंडर थ्री बाय टू, ये कहने का मतलब इसका जो हाइट होगी h होगा उसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर थ्री बाय टू ये, ठीक है। एक एक चीज़ हम मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से आप लोग फार्मूला को निकालोगे और कहाँ से आप लोग कैसे करोगे। h बराबर रूट अंडर थ्री ए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो ध्यान दीजिएगा, मैं सभी बातें बता दे रहा हूँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर इसके अंदर वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं, मैं सभी वहाँ पे मैं पढ़ा दिया अगर जाके देखना है, लेकिन मैं यहाँ पर रिविजन करा दे रहा हूँ। अंदर वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं और बाहर वाले वृत्त को बाह्यवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे आर होगी और ये यहाँ पे आर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये भुजा ये है, गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिया जाए यह दो अनुपात एक होता है, कहने का मतलब यहाँ तक टोटल अगर एच है तो एच जो है एच यहाँ पे टोटल जो है वो रूट अंडर थ्री बाय टू ये है। अगर लेकिन यहाँ आर से आर तक देखा जाए, अगर आर निकालना हो तो रूट अंडर थ्री बाय टू ये का हमको एक तिहाई निकालना है, ठीक है, एक तिहाई हम निकाल देते हैं तो रूट तीन से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो रूट तीन होता है, कहने का मतलब आर बराबर जो होगा ए बटा टू रूट थ्री होगा, ठीक है। अब गौर से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो दो तिहाई होता है, क्योंकि तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो दो तिहाई होगा, कहने का मतलब इसका दो तिहाई हम लोग निकालेंगे, कैपिटल आर बराबर रूट थ्री बाय टू ए का दो तिहाई, दो बट्टा तीन। यहाँ पर गौर से सभी बच्चे लोग देखेंगे, दो से दो कट गया, रूट तीन से काटेंगे तो रूट तीन हो गया, कहने का मतलब कैपिटल आर बराबर ए बटा रूट अंडर थ्री होगा, ठीक है, ए बटा रूट अंडर थ्री। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे मैं ये चीज़ मैं बताया नहीं था, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मूले आ रहे हैं। तो थोड़ा इन दोनों के त्रिज्या का अनुपात एक अनुपात दो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एग्जाम में देखिएगा, क्वेश्चन अभी मैं करवाऊँगा, वहाँ पर इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो जो होगा यहाँ पे वो होगा एक अनुपात चार, क्योंकि यह त्रिज्या होगी थी इसका वर्ग अगर करेंगे तो एक अनुपात क्या होगा चार होगा, ठीक है। एक एक चीज़ एकदम ध्यान से देख के चलते चलेंगे। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग जानेंगे कि अगर समबाहु त्रिभुज में दूसरा कॉन्सेप्ट होगा तो वो क्या होगा। एक एक चीज़ मैं जितना बता दे रहा हूँ सभी याद रखिएगा, जब भी मैं प्रैक्टिस अभी कराऊँगा क्वेश्चन जैसे आना चालू हो जाएगा तो आपका दिमाग हक्का पक्का ना हो जाए, ताकि मैं एक बार रिविजन्स करा दिया मज़े से, है ना, फॉर्मूला सभी लोग दिमाग में आ जाएगा तो मज़ा आएगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं वो ये है कि यह समबाहु त्रिभुज है और यह समबाहु त्रिभुज के अंदर से इस पर डाला गया लंब अगर P1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, P2 है और यहाँ पे अगर P3 है, और अगर इसकी भुजा A है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कैसे होगा वो ध्यान देना है। यहाँ से अगर देखा जाए नॉर्मली ये इधर, ये इधर और ये इधर, अगर हम त्रिभुज बना दें तो बिल्कुल बना सकते हैं, एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया, जब ये त्रिभुज है ए, ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है, अगर देखा जाए जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ठीक है, टोटल का क्षेत्रफल क्या है, रूट अंडर थ्री बाय फोर ए स्क्वायर है, टोटल का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, जब टोटल का क्षेत्रफल यहाँ पर अगर सिद्ध करेंगे, एक बटा दो, आधार होगा यहाँ पे ए, लंब होगा पी थ्री, दूसरे में वन बाय टू, फिर आधार होगा ये, लंब होगा यहाँ पे इधर हम लोग आ रहे हैं पी वन, फिर होगा एक बटा दो ए, फिर
फिर होगा क्या P2। अब यहाँ पे गौर से देखते हैं हम लोग, रूट अंडर थ्री बाय फोर ए स्क्वायर बराबर, सभी से वन बाय टू ए कॉमन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। अब यहाँ पे गौर से देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ से काट सकते हैं दो, ठीक है, ए से कट जाएगा ए। अगर हमको केवल ए निकालना हो तो दो ऊपर चला जाएगा और रूट तीन नीचे आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3। कहने का मतलब यहाँ पर अगर इन कंडीशंस में समबाहु त्रिभुज के किसी भी बिंदु से तीनों भुजा पर डाली गई लंब P1 P2 P3 हो तो इनकी भुजा जो होगी 2 बटे रूट थ्री P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार। अगला पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। यदि कोई त्रिभुज दिया गया है और इन त्रिभुज में से ये यहाँ पे माध्यिका दी गई हो, एकदम ध्यान दीजिए, माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है, माध्यिका किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई मतलब मिलाए गए रेखा अति जिसे दो बराबर बराबर भाग में बांटता हो तो यह क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, यह माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ, यदि किसी त्रिभुज के तीन माध्यिका एम वन एम टू और तीसरा जो है एम थ्री हो, ठीक हो, तीन माध्यिका एम वन एम टू एम थ्री हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल होगा फोर बाय थ्री रूट अंडर एस एस माइनस एम वन एस माइनस एम टू और एस माइनस एम थ्री होगा, ठीक है, एकदम मजे से पढ़ेंगे, ठीक है, किसी को ये पता ना चले। देखो बेटा जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ो, ये नहीं कि सीरीज है एस एस सी जी डी पढ़ा दो, एस एस सी जी डी आर पी एफ ये सब कब का खत्म हो गया, जितना मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ 200 वीडियो काफ़ी है, ये सब जो है जानदार। एस एस सी सी जी एल के लिए बच्चे लोगों के लिए, सी पी ओ वाले बच्चे लोगों के लिए, एस आई वाले बच्चे लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग परेशान ना रहो, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से देख के पढ़ो, फिर उल्टा सीधा आप लोग कोई ऐसा कमेंट नहीं करेंगे जो हमारे मन को दुखी हो, इसलिए सभी बच्चे लोग एक एक कमेंट को एकदम ध्यान में देखे, ये नहीं कि सीरियल वाइज नहीं है, आप अगर पहला दिन देख रहे होंगे तो आपको सीरियल वाइज नहीं लगा होगा, 200 वीडियो मेरी पड़ी है, ठीक है, इस चैनल पे जाके देखिए, प्रत्येक चैप्टर वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, ये नहीं कि सर एलसीएम एचसीएफ, मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे गौर से देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, यदि कोई त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज का सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, ये दो मध्य बिंदु हैं, अगर ये दो मध्य बिंदु हैं तो ये ए होगा तो ये टू ए होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये बी होगा तो इसके सामने डालेंगे तो ये टू बी होगा, यहाँ पे डालेंगे अगर ये सी होगा ये टू सी होगा। तो इन कंडीशंस में आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देने पर यहाँ चार त्रिभुज बनेगा और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगी वो आपस में बराबर होगा, 25% ए भी होगा, 25% ए भी होगा और 25% ए भी होगा। गौर से देखेंगे, कहने का मतलब इन कंडीशन में चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। कभी कभी कह देगा कि ये छायांकित भाग है, ये कहेगा कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 75% है, 25 25 25 75%, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग को देखना है एग्जाम में क्या आ सकता है, देखिए एकदम जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सभी पॉइंट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर इनके तीनों मीडियन, किसी भी त्रिभुज के तीनों मीडियन इसे छः बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः वहाँ पे आराम से बढ़ जाएगा और इनके सभी क्षेत्रफल समान हो। या तो क्वेश्चन ये कहता है, ये दिया गया है, ठीक है, तीनों मीडियन के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं और एक केंद्रक त्रिभुज के तीन बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले में बांटते हैं। इन कंडीशन में इन तीनों का भी क्षेत्रफल जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एक एक चीज़ एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, मैं सभी बातें बता दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में कुछ भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, एक त्रिभुज है एक दूसरा त्रिभुज है, एक देखिए मैं भूल रहा था, एक छोटा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अगर कोई त्रिभुज है किसी भी त्रिभुज के अंदर में, कोई भी त्रिभुज है किसी भी त्रिभुज के अंदर में अगर वृत्त बना दिया जाए, इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एकदम जानदार शानदार तरीके से सीखते चलेंगे, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। अभी जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये मत कहना कि यार फास्ट है, ये है वो है, जब क्वेश्चन होगी तो बहुत जानदार, मैं इतना फॉर्मूला कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली बोलूंगा कि देखो
कॉन्सेप्ट का वीडियो जाके देख लीजिए, मैं बस वहाँ यही बोलूँगा। ये वहाँ पे ना लगे कि नहीं देखिए कॉन्सेप्ट सर बताए नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, डायरेक्ट मैं बोल दूंगा तीनों मीडियंस दिए गए तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे यहाँ पर ये है, अदि एक त्रिभुज ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पे क्या है, डी है, ई है, एफ है। अगर दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और कहीं त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा, समरूप होगा तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाण, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप का अनुपात जो होगा, परिमाप का अनुपात जो होगा इनके संगत भुजा के अनुपात के समान होगा, इसके संगत भुजा के अनुपात, इनके संगत भुजा के अनुपात मतलब डायरेक्टली, जैसे इसके संगत भुजा अगर ये समरूप है, यहां पर अगर ए बी लेंगे तो यहां पे हम लोग डी लेंगे, यहां पे हम लोग अगर बी सी लेंगे तो यहां पे हम लोग ई एफ लेंगे, और यहां पे हम लोग ए सी लेंगे तो यहां पे हम लोग को डी एफ लेना पड़ेगा। यही इसकी संगत भुजा होती है। ज्यामिति में बहुत धांसू पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मतलब ये चीज ये भी भूल गया था। अदि दो त्रिभुज, अदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा तो इसका क्षेत्रफल समान होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज एकदम ध्यान से, जितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी लोग एकदम ध्यान से एकदम देख के चलेंगे, क्योंकि बहुत मजा आएगा जब इसकी प्रैक्टिस होगी। मैं देख के क्वेश्चन बता दूंगा मैं, ठीक है। ट्रिपलेट जरूर देख लीजिएगा, ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धांसू है। ट्रिपलेट अगर नहीं देखेंगे तो आपको बहुत अधिक पछताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिपलेट आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात समान होगा। इनके जो क्षेत्रफल, कहने का मतलब ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर लेंगे तो त्रिभुज का ऑलमोस्टली हम लोग कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग वहां पर ये चीज हम लोग देखेंगे कि जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन को पूछा है, कोई कौन बच्चा कहते हैं कि एडवांस लेवल आप लिखते हैं और क्वेश्चन देते हैं बच्चा वाला, किन्होंने कहा, किन्होंने अधिक जानकारी आपको मैं बता दूं। एडवांस लेवल का जो प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आया है वो एसएससी ने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, अगर हमको 10 सेकंड में अगर क्षमता है उसका आंसर देने का, तब आपको इजी कहने का मतलब यह हक नहीं है कि वो इजी है। आप खुद से अगर किसी क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन सा नहीं है। सो एसएससी सीजीएल्स आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में जाके देख लो कि क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से है। अगर आपके पास नहीं है तो मोटी सी किताब आती है किरण पब्लिकेशंस, हमारी किताब नहीं है वो, किरण ने टोटल एसएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। यार अगर बहुत अधिक तेज है ना तो कैट मेट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा वही ना बताया जाएगा, जानबूझ के इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ला के हम क्या कर लेंगे, कोई फालतू वाली बात नहीं। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, जितने भी मेंसुरेशन में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ऑल क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल्स के होगी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, और अर्थमेटिक बार बार नहीं है, मैं बता दे रहा हूं नंबर सिस्टम अभी आपको वही अनअकैडमी पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैं इतना मैं सोच लिया हूं इतना चैप्टर मुझे बनाना है तो एग्जाम्स है ना यार, यहां से मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 से 4 क्वेश्चन देगा, और ये बहुत बड़ी वीडियो मतलब इतने पार्ट में इसको बनाना है। अभी देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत एडवांस लेवल खत्म कर दिया, डिस्काउंट देखिए मैं वहां पे खत्म कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया, परसेंटेज खत्म कर दिया। अब देखिए एक चैप्टर में थोड़ा बड़ा चैप्टर लेके आ रहा हूं वो मेंसुरेशन है, तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज एकदम जैसे मैं जैसे लेके चल रहा हूं वैसे लेके चलो। एसएससी जीडी वाले बच्चे लोग सर जीडी स्पेशल्स बनाओ, जीडी कब का खत्म हो गया बेटा,
मैंने पहले बताया था ना, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल किसके किसके लिए होता है? जीडी के लिए होता है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए होता है, यूपी पुलिस के लिए होता है, राज्य स्तरीय एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो वो लेवल खत्म हो गया आपका, आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट है। आप जाके पढ़ो, झूठ में इसमें दिमाग ना लगाओ। ये आपसे अपर वाले लेवल्स के लिए दिमाग लगाएंगे, ठीक है? तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। वेलकम, स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल एकेसा स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशंस के, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो एक एक सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा, लेकिन आप जानते हैं मैं फायर सॉल्यूशंस की तरह कराऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक पहले बता चुका हूं। अगर बेसिक में बता चुका हूं तो ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिक की वीडियो बहुत बार बार देखना चाहिए। बेसिक की वीडियो आप बार बार देखोगे तो वहां पे आपको और मजा आएगा। सबसे पहला चीज पहला स्क्रीन पे है, एकदम मैं बेसिक वहां पे बता चुका हूं। एक त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। रेशियो में बताया था 2-3 है, तो हम लोग लिखेंगे 6-4-3। 6 4 10 3 13 13 बराबर क्वेश्चन में 52 दिया गया है। 1 बराबर कितना होगा 1 बराबर 4 होगा। ये मत बोलना सर, फिर क्या, आराम से पढ़ाओ, क्योंकि बहुत शिद्दत से मैंने दो दो बार मैंने बेसिक बताई है। एक बार बेसिक भी बताया, एक बार मैंने बहुत धांसू तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी दिया इसके पहले में। तो क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी भुजा कितनी है, सबसे छोटी भुजा यहाँ पे 3 होगी, तो 3 बराबर कितना होगा 12। पहला क्वेश्चन फिनिश, पहला क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अधिक किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी भुजाएं का अनुपात 3-4-5 है। 3-4-5 मतलब क्या, ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, त्रिभुज इस अनुसार से होगा। ये 3x ले सकते हैं, 4x 5x, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, 3x × 4x = 216। एकदम मजे से देखो, 2 × 4 मतलब 6x² = 216 है। 6 से जब हम लोग काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। x बराबर कितना हो जाएगा, 6। जब x बराबर 6 है, क्वेश्चन कहता है इसका परिमाप कितना होगा। अगर हम लोग 5x, 4x, 9x, 3x, 12x, 12x है 12 × 6, 12 × 6 कितना होगा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो मजे से एकदम सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, एकदम एक एक चीज पर एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है इसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 और 22 दिया गया है। तो सवाल में कहता है उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है, ठीक है? अब यहां पर देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई दी गई है, एक 15 है और एक 22 है। एक बार दो कंडीशंस ले सकते हैं, एक बार 15 है भाई, एक बार 22 है। अगर समद्विबाहु बनाना हो तो हो सके एक बार इसको भी 15 बनाना पड़ेगा, तभी समद्विबाहु होगा, ठीक है? यहां पर ध्यान दीजिए, या तो फिर यहां पर इसको हमको 22 बनाना पड़ेगा, तभी यह संभव है। क्वेश्चन कहता है तो उसका परिमाप कितना हो सकता है, तो 15 15 30 और 12, यहां पर परिमाप अगर देखा जाए तो 52 होगा, और यहां पर 22 22 48, 22 22 44 44 और 15 44 और 15 59। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, 52 59। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी त्रिभुज के तीन माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है। ये दिया गया है 9, ये दिया गया है 12 और ये दिया गया है 15। आपको पता है M1 = 9, M2 = 12, मैं सभी कॉन्सेप्ट में बहुत धांसू तरीके से बता दिया हूँ। 15 S निकालना है, S = M1 + M2 + M3/2 होगा। यहाँ पर होगा 21 21 और 15 36, 36 को हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 18। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √4/3 S, S की जगह 18 होगा, 18 में 9 घटेगा 9 बचेगा, 18 में 12 घटेगा 6 बचेगा, 15 घटेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4/3 का 4/3, ये 18 6 18, 1 18 निकल जाएगा, 1 9 में 3 बचेगा, 3 से 3 खत्म, 18 6 36 72 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक एक सवाल देखिए कितना मजा है, कैसे इतना इजी से बन रहा है, कारण क्या है, कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे लोग, एक बार मैं बेसिक दिया, बेसिक देने के बाद फिर मैं एक वीडियो लेके आया आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के लिए, तो प्रत्येक फिगर जैसे जैसे आएगा तो उसके लिए, जैसे भी चतुर्भुज आएगा चतुर्भुज के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है? फिर मैं चतुर्भुज के सभी क्वेश्चनों को मैं डील करूंगा। तो एक एक चीज एकदम जानते जाएंगे तभी आपको मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग।
अगला सवाल क्या है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, उस त्रिभुज के आधार कितना परसेंट कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। बढ़ाया गया, कम करना है, कम बटा 10 बढ़ाया गया 110, 0 से 0 खत्म, 100/11 इक्वल टू 9 सही, 1/11%। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, आगे हम लोग गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी होगी, लंब भी होगा, और उसका जो भी है लंब समद्विभाजक सब एक ही होता है। माध्यिका कहने का मतलब h, h बराबर √3/2a, और √3/2a इक्वल टू 6√3 दिया गया, √3 से √3 खत्म, ये बराबर 12। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कब मजा आ रहा है, जब आपकी बेसिक बहुत अच्छी है तब। इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल इक्वल टू √√3/4 भुजा स्क्वायर, 144, 4 से काटेंगे बच्चों 36, आंसर कितना हो जाएगा 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात। मैंने आप सभी को वहां पे कॉन्सेप्ट में बताया था कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनके भुजा के अनुपात के समान होगा, और उनका भुजा का अनुपात अगर 4:1 है, और उनके भुजा के वर्ग का अनुपात जो होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहां पर अगर इनका भुजा का अगर वर्ग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा आंसर ये है। ठीक है, मजाक मत समझना बेटा, सभी क्वेश्चन SSC CGL में पूछा है, देखिए इजी देख के कैसे कैसे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात समकोणीय त्रिभुजों की भुजाओं का हो सकता है। ट्रिपलेट जिनकी नॉलेज होगी वो तुरंत लगाएगा 13:12:5। क्या करना है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर, कैसे आ रहा है, कारण क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ी है, कॉन्सेप्ट अगर रखोगे तो आपकी भी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, ये 15 है, ऊंचाई 12 है, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 15 × 12 को अगर हम लोग काटेंगे 90 होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 90। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, अगर यहां पर देखते हैं अगर उसका दुगुना है तो 180 होगा। ठीक है, और उसका आधार 20 है, अगर आधार 20 है बच्चों तो इसका 1/2 × 20 × h निकालना, 2 से काटो 10, 10 से काटो इतना, h बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। बहुत जानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी त्रिभुज के भुजाओं को 3, 4, 5 है, एक त्रिभुज की भुजा है 3, 4, 5, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, कितना मजेदार बात ये पूछ रहे हैं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3, 4, 5 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 × 3 × 4, अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 6 है, ये बड़े त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 6 हो सकता है तो ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मैंने बताया था 1/4, तो 6 का 1/4 कितना होगा 6/4, 6/4 को काटेंगे कितना होगा 3/2 cm². देखिए 10 क्वेश्चन कितना देर में सॉल्व हुआ है ना, तो अगर कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी रहेगी तो बेहतर तरीके से आप करोगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल एक ऐसा स्टडी पे, तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेंसुरेशंस का पहला वीडियो आपने देखा बहुत ही धांसू तरीके से, तो दूसरा वीडियो में भी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में तो जान ही नहीं लगाता हूं, चाहे वो किसी लेवल्स का हो। अब आप लोग को तुरंत लगेगा कि आंसर तुरंत आ गया, अरे भाई कॉन्सेप्ट अच्छी है तभी तो आंसर आ रही है, कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है आपकी बेसिक लेवल का वीडियो देखो, रेडी हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉपी कलम निकाल के। कुछ ही एग्जाम्स है ना, तो एग्जाम्स में बच्चे लोगों को वहां पे बेसिक से नहीं बनाना पड़ता है, एग्जाम्स में आंसर चाहिए आपको, वो आंसर लाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, और वो कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको दे चुका हूं। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, रेडी फॉर, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 cm है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल और इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कुछ होगा, नहीं बनाएंगे, क्या होगा डायरेक्ट आंसर 4:1, कॉन्सेप्ट में बताया हूं। ठीक है, कोई भी बच्चा ये बात नहीं कर सकते कि नहीं, क्यों बनाना यार, वहां पे जाओ देख लो, मैं बताया हूं परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 4:1। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, एकदम ध्यान दो, यह त्रिभुज है,
सवाल क्या कह रहा है? उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, एक रेखा खींची गई, एक रेखा खींची गई, एक रेखा खींची गई, ये त्रिभुज बन जाएगा। ये समांतर होगा तो यह ए होगा, यह टू ए होगा, बी होगा टू बी होगा, सी होगा टू सी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक त्रिभुज, तो इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमाप प्रारंभिक त्रिभुज, इस प्रकार बना जो है वो इसका डबल है, कहने मतलब इसके परिमाप का अनुपात जो होगा वो 2:1 होगा, है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 3a होता है, परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है, क्षेत्रफल होता है √3/4a² इसका रूट 3 गुना है, रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है, 3 से 3 खत्म, a से a खत्म। सवाल में कहता है तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या हो गया बच्चों, 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक से बनाओगे बहुत लंबा लंबा बनेगा। समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2, x, x+2 है, ये समकोण है, कहता है एक भुजा x माइनस, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा x+2 है, तो x+2 कर्ण होगी, ये x-2 है और ये x होगा, क्या रिलेशन से आ रहा है यार, अगर यहां पर हम 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ट्रिपलेट पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है, आगे आंसर 6, 8, 10। क्वेश्चन कहता है x का मान क्या होगा, x का मान 8 होगा, x का मान 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार खेत के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15, 20, 25 है, तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत कितनी होगी। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, अगर 15, 20, 25 दिया गया, सबसे पहला चीज तो यह ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, मैं बार बार ट्रिपलेट का नाम क्यों ले रहा हूं, ट्रिपलेट आसान है, 90% क्वेश्चन ट्रिपलेट से बनते हैं, मैं आप सभी को मैं बता दे रहा हूं, इसलिए मैं ट्रिपलेट का स्पेशल 3 बार में जिक्र किया हूं। 15, 20, 25 है ट्रिपलेट है, 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 625, का स्क्वायर 625, इसका जब क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने, यहां पर आधार 15 और 20 ये होगा, और कहता है लगाने में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, जब वहां पर क्षेत्रफल में कुछ लगा रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसमें हम लोग क्षेत्रफल में गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 10, 150 को 5 से गुना करेंगे, कहने का मतलब 750 वर्ग मीटर होगा। बच्चों बेसिक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन के लिए, क्योंकि हर जन का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं पहले शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ताकि यार एग्जाम्स की तरीके से आपको बनाना है, एग्जाम में इसी तरीके से आपको बनाना है। अगला सवाल, यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, मैंने केंद्रक के बारे में बताया था, और त्रिभुज एबीसी, ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, एबीसी का केंद्रक जी है, ये रहा भाई जी, ठीक है, तो त्रिभुज बीजीसी, वाह यार, 1/3 होगा टोटल, अगर 48 है तो 1/3, 1/3 × 48 16 cm². 7 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, ठीक है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, जितना बढ़िया सवाल उतना बढ़िया सवाल कैलकुलेशन यहां पे आपको मैं दूंगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां से यहां तक डाला गया लंब 8 दिया गया है, और इसका परिमाप दिया गया है 64, एग्जामिनेशन व्यू से बनाना है भाई, 64 दिया गया है। आप मुझे बताओ कि अगर किसी का अगर 8 ये होगा तो कर्ण यहां पे दो चीज हो सकती है, 8 जब होगा ध्यान दीजिएगा, तो ये भुजा अगर हम दो बार कंडीशंस लें 6 भी हो सकती है, जब 8 है ये 6 है तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 6 होगा। अब यहां पर देखिए, एक मिनट देखते हैं, 8, 6, 10, 8, 6, 10, क्या परिमाप 10 और 10, 20, 20 और 12, क्या परिमाप 32 है, नहीं है, ये कंडीशंस फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जब दूसरा ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, 8 है तो ये 15 होगा, और जाहिर सी बात है या 17 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी यहां पे कितना होगा, 17 होगा। अब यहां पे गौर से देखते हैं, 17, 17, 34 और 15, 15, 30, 34 और 30 कितना होगा, 64, दैट मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जब हमको क्षेत्रफल निकालना है तो तुरंत इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 × आधार, 1/2 × आधार के जगह 30, ऊंचाई के जगह 8, जब काटेंगे 4, 30 चौक 120, बहुत जानदार सॉल्यूशन है, ये सब सॉल्यूशन आपको एग्जाम पास करवाएगा, मैं बता दे रहा हूं।
फेंकने वाली बात नहीं है, बेहतर तरीके से कीजिए और बेहतर मजे से सीख, इसी को बेसिक से बनाएंगे, दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो आप वहां से जानो, ये एकदम फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट सॉल्यूशन है, फायर सॉल्यूशन नाम ही है, फायर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस को एकदम धांसू तरीके से करना है, इसलिए चैप्टर का नाम ही है यहां पे सॉल्यूशंस में फायर सॉल्यूशंस। एट नंबर क्वेश्चन नंबर आठवां, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 5 यूनिट है। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट शायद हम नहीं बताए थे, शायद अभी मुझे याद आ रहा है, अगर ये है और ये है और ये बी है तो इसका परिमाप तो हो जाएगा 2a + b। हाँ हाँ नहीं बताए थे, इसका परिमाप हो जाएगा 2a + b और क्षेत्रफल होगा √s। a दो बार है, s - a² × s - b, या तो इसका फॉर्मूला होता है b/4√4a² - b² अगर इसका निकालना चाहते हैं तो s बराबर यहां पर होगा 2 से भागा देंगे a + b/2। जब a + b/2 को यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा 4a² - b² अब सवाल कहता है समभुजा की लंबाई a दी गई है, देखिए यहां पे खुद फार्मूला ही क्वेश्चन पूछ दिया है, और तीसरी भुजा b है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा b/4√4a² - b², ऑप्शन नंबर c होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये माफी चाहूंगा जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो उसमें नहीं दिया था, लेकिन बेसिक वाले वीडियो में जाके शायद पार्ट नंबर 4-5 में मैं बेहतर तरीके से बता दिया हूं, 1-2 में होगा, देख लीजिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को पहला पार्ट में बनाए थे, ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन अलग था। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है √√3/2a और क्षेत्रफल होता है √√3/4a², इसका कहता है संख्यात्मक मान बराबर है 2 × 4, 2 से 2 खत्म, ये से काटेंगे ये खत्म, √3 से √3 खत्म, ये बराबर कितना आंसर आएगा 2, ये बराबर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब इसी तरीके से एक एक चैप्टर को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, पता नहीं कितना पार्ट जा सकता है, उसके 40 पार्ट एडवांस लेवल में जा ही सकता है, क्योंकि त्रिभुज में ही लगभग 5-6 पार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक पार्ट का वहां पे आपका नामांकन रहेगा कि एडवांस लेवल का ये ट्रायंगल का पार्ट 1 है, ट्रायंगल का पार्ट 2 है, ट्रायंगल का पार्ट 3 है, ट्रायंगल का पार्ट 4 है, ट्रायंगल का पार्ट 5, जब क्वाड्रिलेटरल आएगा तो वहां पे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 है। आप सभी बच्चों को मैं इस बात में बता दूं, ध्यान से रखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए वेबसाइट आ चुका है, और वेबसाइट जो है वो आप लोग www.aksastudy.com पर जाकर वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से आप अपने समस्या को जो थी उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके गुड बाय, थैंक यू, वेलकम, स्वागत है आप सबों को। तो आज हम लोग मेंसुरेशंस का, ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों सभी लोग को मैं बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, यदि कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही बेहतर होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आप सबों को मैंने बताया था कि दो समरूप त्रिभुज हैं और उसके क्षेत्रफल अगर दिए गए हैं तो उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के समान होगा। कहने का मतलब एक दो त्रिभुज है, एक का क्षेत्रफल 9 है और दूसरे का 16 दिया गया है। एक भुजा BE बराबर यहां पे देख के रखा है 2.1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग EF का होल स्क्वायर होगा। अब जब यहां से स्क्वायर को अगर इधर हम लोग हटाते हैं तो 3/4 होगा, 3/4 = 2.1 और फिर EF होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर हम लोग देखा जाए, EF का अगर वैल्यू निकालेंगे 21.84 8.4 में अगर हम लोग 3 से भागा देंगे, यहां पे आंसर जो मिलेगा हो जाएगा 2.8। एक एक सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एक समभुज, समभुज मतलब है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दी गई है, h दिया गया, h बराबर होता है √√3/2a और इतना बराबर क्वेश्चन 18 देके रखा है। यहां पे हम लोग देखेंगे अगर हम लोग इसको a से भागा दे दें, a बराबर 18 × 36 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36/√3। अब कहता है जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √√3/4a², ए स्क्वायर की जगह अगर हम लोग करेंगे तो देखा जाए तो होगा 36/√3 × 36/√3, एक रूट तीन से एक तीन काट सकते हैं, 4 × 9 = 36, 9 हो जाएगा। एक रूट तीन से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 3√3 बचेगा, 36 किया 108,
108 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा बच्चों। इसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ। कॉन्सेप्ट का वीडियो इसमें भी मैंने डाल दिया था, वहां पर भी जाके देख लीजिए। तो मेंसुरेशन सबसे पहले बेसिक में मैंने वहां पढ़ाया था, वहां पर भी जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। टू रूट थ्री यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग कहते हैं आर बराबर ए बटे टू रूट थ्री, और इतना बराबर क्वेश्चन में देके रखा है, कि इसकी भुजा जो है वो टू रूट थ्री है। ए का वैल्यू दिया गया है टू रूट थ्री, और टू रूट थ्री बाय टू रूट थ्री होगा। अगर टू रूट थ्री से टू रूट थ्री को कैंसिल करते हैं तो यहां पर हम लोग का जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वन होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा। तो सवाल में कहता है इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल के मध्य, मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से एक एक चीज को देखते चलेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, भुजा जैसे यहाँ पे 8 दिया गया है, अगर भुजा यहाँ पे ए बराबर 8 है तो यहाँ पे ध्यान देंगे r बराबर जो होगा वो 8 बटे टू रूट तीन होगा। अगर दो से हम लोग यहाँ पर इसको काटते हैं 4 बटे रूट अंडर थ्री होगा, ठीक है। ये कैपिटल R बराबर क्या होगा, जस्ट इसका डबल होगा, मतलब 8 बटे रूट अंडर थ्री होगा। जब हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो अगर गौर से देखा जाए ये फिगर को मैं बना दूँ, ये अंतर्वृत्त हो गया, ये परिवृत्त हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल रेडियस r, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर हम लोग r लेते हैं, तो ये वाले क्षेत्रफल यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ये वाले क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ये वाले क्षेत्रफल निकालना है आपको, इसके मध्य ये वाला आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात है इसका इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आर प्लस आर, या तो डायरेक्टली हम लोग अगर पाई कहें कॉमन लेते हैं आर स्क्वायर। इसका वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं 64/3, इसका वैल्यू जब हम लोग देखते हैं वर्क करेंगे तो 16/3, आर का वैल्यू होता है बच्चों 22/7। यहाँ पर देखेंगे 64 में जब 16 को घटाएंगे 48/3, 3 से जब हम लोग काटेंगे तो 16 होगा, 16 को जब 2 से गुना करेंगे 16 × 32 का 2 हाथ में 3, फिर 16 × 32 और 3 35 हो जाएगा, 35/7, 7 से जब भागा देंगे 50 × 2/7 सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, बहुत जानदार सवाल है। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था यार, कोई भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अगर कह रहा है तो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि मैंने ट्रिपलेट आपको बहुत तगड़ी तरीके से बताया था। अगर ये 13 होगा तो ये 5 होगा, ये 12 होगा। जाहिर सी बात है यहां पर अगर क्षेत्रफल अगर देखते हैं हम लोग 12×5 = 60 को अगर 2 से भागा देंगे तो 30 होगा, और इसकी अगर परिमाप देखते हैं 5 और 12 = 17 और 13, वहां पे 30 होगा। कहने का मतलब यहां पर सबसे छोटी भुजा जो होगी वो क्या होगी, 5 होगी। आपकी ट्रिपलेट की नॉलेज अगर बहुत बेहतर है बच्चों तो आप लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो त्रिभुज ABC और PQR सर्वांशम है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आप सभी बच्चे को बताया था कि दोनों सर्वांशम त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। कहने का मतलब एरिया त्रिभुज अगर ABC बराबर वह 60 देके रखा है तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि त्रिभुज एरिया PQR का भी जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, एक एक चीज को सीखते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की ए और बी दो संलग्न भुजा है। कहने का मतलब ये ए है और ये बी है, पी सम्मुख शीर्ष के कर्ण पर रेखित लंब है, ये इसके ऊपर लंब डाल दिया जाए वो पी है, इसको हमने मानता है सी मानते हैं। क्वेश्चन में कहता है पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 × a × b बराबर 1/2 × p × c, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब एक बार इधर से क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बार आधार, तो लंब इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं।
अब यहां पे हम लोग गौर से देखेंगे, पी के जगह पे अगर वैल्यू देखा जाए तो ए बी बटा सी होगा, ठीक है, और पी स्क्वायर की जगह अगर वैल्यू देखा जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, पी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर यहां पे कर्ण है, सी स्क्वायर यहां पे कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, आधार का हो जाएगा बी स्क्वायर। ऑप्शन यहां पे कौन होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एकदम सभी लोग देखिए, बेसिक जानकारी जिनको अच्छी है कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे अगर इसका केंद्रक बना दिया जाए तो अगर एक भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है, तो यहां पे एक भाग का क्षेत्रफल वो निकालने के लिए कहा है, तो 1/3 × 60 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है तो देखिए कितना आराम आराम से क्वेश्चंस लग रहे हैं, नहीं तो यही क्वेश्चंस बहुत लेंदी तरीके से लगते हैं। अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है वो ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक एक चीज देखिए, जैसे जैसे एकदम नियम के तहत एकदम पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। अब त्रिभुज यहाँ पे देखिए, इसी में हम लोग खत्म कर देंगे एडवांस लेवल 1 को, ठीक है, अब एडवांस लेवल 2 को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। अभी 2 त्रिभुज के बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, यहाँ ए पर ध्यान देते हैं। यदि दो त्रिभुज के शीर्षलंब का अनुपात 4:5 और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 हो, ध्यान दीजिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 दिया गया, क्षेत्रफल बराबर 1/b और शीर्षलंब दिया गया 1/4 और दूसरे का यहाँ पे दिया गया है, ध्यान देंगे दूसरे का शीर्षलंब 5 दिया गया है और आधार नहीं दिया गया, तो इनके आधार यहाँ पे मानते हैं, ये यहाँ पे बी दिया था, यहाँ पे हम लोग बी बड़ा मानते हैं, 1/2 से 1/2 को हम लोग काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 5 × 15 = 8, यहाँ पे देखा जाए 15/8 = b/b, इनके आधार का जो अनुपात होगा बच्चों वो क्या होगा, 15:8 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कॉन्सेप्ट मैं आप सभी बच्चों को बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप अगर 3 सेंटीमीटर है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात करें। मैं आप लोगों को बताया था कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनके परिमाप का जो अनुपात होगा इनके भुजा के अनुपात के समान होगा, मानते हैं इसकी x हो गया, यहाँ पे 3 × 9 = 3 बच्चों 10 से अगर ये कट जाएगा 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 6 होगा। कहने का मतलब अगर इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। एक एक प्यारे बच्चों एकदम बेहतर तरीके से आप लोग एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, एक एक चीज के बारे में बताते जा रहा हूँ, बहुत मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस हम लोग आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सबों को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशंस के 2D के अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अपने त्रिभुज में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपने जाना था, कॉन्सेप्ट जानने के साथ ही वहां पे आप लोगों ने सॉल्यूशंस को देखा तो बहुत इजी सॉल्यूशंस हुआ, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला वर्मूला सबसे पहले हम बता दिए थे। तो ये कॉन्सेप्ट की जो वीडियो होती है बहुत जानदार होती है, आप सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला चीज चतुर्भुज के पार्ट में आज हम लोग कॉन्सेप्ट में देखेंगे। चतुर्भुज के पार्ट में जैसे मैंने वहां पे 2D में सबसे पहले डिस्कस किया था त्रिभुज के बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस का टॉपिक का नाम है बच्चों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस में इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। इंग्लिश में इसे हम लोग कह सकते हैं PARA पैरेललोग्राम, ELOGRAM पैरेललोग्राम, कहने का मतलब इसका हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। इसकी जो फिगर होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी फिगर ऐसी होती है, इसके बारे में हम आपको बता दें, इसकी फिगर ऐसी होती है और ये दोनों जो इनके आमने सामने की जो भुजा होती है समांतर चतुर्भुज होती है। डिफिनेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका बेसिक वीडियो और पड़ा है मेंसुरेशंस में, जाके वहां पर आप लोग देख लीजिए, मैं वहां पर डिफिनेशन भी लिख दिया हूं। वैसे चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भुजा इसके समांतर में, ये भुजा इसके समांतर में है, तो हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। और ये भुजा ये होती है, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, इनके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, समान होती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, इन दोनों समांतर भुजाओं
पे डाला गया लंब ए है, इन दोनों समांतर भुजाओं पर डाला गया लंब ए है, और इन दोनों समांतर भुजाओं पर डाला गया लंब क्या है, ए है। यहां पे सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, इनके ऊपर डाला गया लंब यहां पे ए होगा और इन दोनों समांतर भुजाओं पर डाला गया लंब ए है। इसे हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं और इसे हम लोग ये कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं। सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान से एकदम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर यहां पर इसके परिमाप के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इसका परिमाप क्या होगा, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करें। इसका परिमाप देखिएगा, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, ए ए बी बी। अगर सभी भुजाओं को अगर यहां पर देखा जाए तो 2a प्लस 2b होगा। अगर यहां पर हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कहने का मतलब a प्लस b होगा, a प्लस b इसकी परिमाप हो जाएगी। और जब इसका क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, इसके क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुने ऊंचाई होती है। आधार गुने ऊंचाई, इंग्लिश में इसे हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, बेस इंटू हाइट। इंग्लिश वाले बच्चे लोग, सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान देंगे, मैं इंग्लिश यहां पे बोल दूंगा, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दिस क्वाड्रिलेटरल्स विल बी पैरेललोग्राम। कहने का मतलब अगर ये चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके ऑपोजिट के जो यहां पे साइड हैं वो पैरेलल्स होंगे तो हम लोग जो कहेंगे पैरेललोग्राम कहेंगे। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, इन दोनों समांतर भुजाओं पर डाली गई लंब यहां पर एच होगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे आधार के जगह में यहां पे ए होगी और ए पर डाला गया लंब यहां पे एच होगा। और जब यहां पर बी लेते हैं तो बी यहां पे लिखेंगे और बी गुना एच होगा। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, एकदम एक एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। तो ए इंटू एच, इधर से जब हम लोग लेंगे तो ए इंटू एच, और इधर से जब लेंगे बी इंटू एच। जब क्वेश्चन जब मैं अभी बनाऊंगा तो मैं देख देख के मैं तुरंत आंसर में बताऊंगा। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दूसरा कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यह समांतर चतुर्भुज है, एकदम ध्यान से देखेंगे। और इसके समांतर चतुर्भुज के, ध्यान से देखेंगे, इन दो कंडीशंस में यहां पे बता रहा हूं, ये दो कंडीशंस में यहां पे मैं बता रहा हूं, ये समांतर चतुर्भुज है। इनके विकर्ण क्या कहते हैं, दो समूह कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। द ज्वाइनिंग दिस लाइन, मतलब जिस लाइन से हम लोग ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट एंगल्स को, यह लाइन जो होगा वह डायगोनल होगा। यह जो लाइन होगा वह क्या होगा, डायगोनल होगा। इसे हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे। एक भुजा यहां पर ए होगा, दूसरी भुजा यहां पे बी हम लोग लेंगे। यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं कहीं नामांकन कर दूं ए बी सी डी, और इन कंडीशंस में जब हम लोग इसमें डायगोनल हम लोग इधर से दिखा दें, इसमें डायगोनल अगर हम लोग इधर से दिखाते हैं, ये मैं क्यों बना रहा हूं यहां पर अभी आप लोग समझेंगे। ए बी सी डी, आप सभी बच्चे को मैं एक बात बता दें, ध्यान से देखिएगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज के उसके विकर्ण उसे दो बराबर बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में बांटते हैं। कहने का मतलब है ये दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा और इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब आप लोग सुन के लिख सकते हैं, इफ एनी पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट इच टू इक्वल ट्रायंगल्स, मतलब इक्वल एरिया ट्रायंगल्स, किसी भी समांतर चतुर्भुज कि उसके कोई भी एक विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटेगा। जैसे यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया त्रिभुज एसीडी। अगर देखा जाए यहां पे क्वेश्चंस में क्या होगा, जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, इनके दो भुजा एक विकर्ण दे देंगे, तो कहने का मतलब इनके दो भुजा एक विकर्ण दे देंगे और कहेगा कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर दो से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। उसके लिए मैं लिख दूं, दो गुने एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया पैरल जी एम ए बी सी डी होगा। एकदम ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज मैं बता दूंगा, मेंसुरेशन कभी भी नहीं भूलोगे, गारंटी हमारी। सभी बच्चे लोग मेंसुरेशन से भागते हैं लेकिन बहुत मजा आएगा अगर एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर, यहां पर देखेंगे एरिया त्रिभुज बी सी डी होगा, ठीक है। ये त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो
पैरेललोग्राम में कॉन्सेप्ट नंबर टू यहाँ पे कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे किसका तीसरा कॉन्सेप्ट होगा क्या। सो इसका तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सभी बच्चे लोग तो गौर से देखेंगे इसका तीसरा कॉन्सेप्ट होगा क्या सो। ठीक है, एक एक चीज एकदम ध्यान से देख देख के एकदम चलेंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, यहां पे ध्यान दीजिएगा ये इनके आसन भुजा है। आसन मतलब एडजेसेंट साइड, सटा हुआ साइड। इन कंडीशंस में देखते हैं कि यहां पर इनके एक विकर्ण जो है ये इनके पहला विकर्ण है और दूसरा बार देखा जाए ये इनका दूसरा विकर्ण है। ये D1 हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम लोग D2 इंडिकेट करते हैं। D मतलब डायगोनल होता है और डायगोनल को हम लोग हिंदी में विकर्ण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे अगर कोई समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, D1 इक्वल नॉट टू D2, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका एक रिलेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, वो रिलेशन क्या है, टू इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर होगा। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे, इनके समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन जो भुजा होंगे A और B, यहां पर दो आसन भुजा दिया गया है, दो आसन भुजाओं के वर्गों का योगफल का दोगुना जो होगा उनके विकर्ण के वर्गों के योगफल के समान होगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग समांतर चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग अगले वाले पार्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस इनके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे मैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। एकदम मजे से पढ़िए, बहुत धीरे धीरे देखिए, हड़बड़ा के मैं पहले भी बोला था कि मैं हड़बड़ा के पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा। आपको वेट करना पड़ेगा बच्चों, आपके कहने से मैं तुरंत तुरंत भाग नहीं सकता हूं। आप कह देंगे कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिए वो चैप्टर पढ़ा दीजिए, नहीं, वीडियो बनाना मतलब ये नहीं है कि आपको मैं 3 महीना में कंप्लीट करा दूंगा, ये मैं माफी चाहूंगा। अगर कोई बच्चे इस मूड से अगर चलते हैं कि 3 महीना मेरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर आपका बेसिक लेवल का एग्जाम्स देते होंगे तो वो सिलेबस आपका कब का कंप्लीट हो गया, 220 वीडियो मैंने पढ़ा दिया। कोई को लोग कहते हैं ना कि हमने पढ़ाने सिखा दिया ये कर दिया, बेवकूफी है ये सब, इस तरह की बातें कोई टीचर्स अगर अपने मुंह से निकाले तो सब बात नहीं है। मैं प्यारे बच्चों बता दूं कि 200 वीडियो नहीं, हो सके 600 वीडियो मेरा आ जाएगा, हो सके 800 वीडियो भी आ जाएगा, वो मैं वीडियो को मैं नहीं कर सकता हूं, ये मैं दिल से जो मैं जानता हूं यार मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। ठीक है, ये मत कहो कि ये चीज कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं है, एक बार मैंने देखो हर चीज कंप्लीट कर दिया है, मैंने दोबारा लेवल 1 को लेके आया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लेवल 2 आएगा, लेवल 2 में भी देखिएगा लगभग 20-30 वीडियो हो जाएंगे, लेवल 1 में देखें आपने 14-15 वीडियो होगा, केवल 2D में हो गया। ठीक है, देखिए लेवल 2 में लगभग 20-30 वीडियो हो जाएंगे, फिर लेवल 3 आएगा, तो आपको ये नहीं है कि मैं तुरंत खत्म कर दूंगा, एवरी डे मेरी 1 या 2 वीडियो आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है, तब मैं क्या करूं बताइए, कब मैं दूं, अब वीडियो दूं आप देख ही नहीं पाओगे तो वो बेकार है, वो फालतू है। मैं आप लोगों को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बढ़िया से देखिए, मजे से सीखिए। अगर आपको जल्दीबाजी सीखना है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिंग आ जाओ, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करो। ठीक है, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करता हूं, वहां पे 3 महीने में पूरी अर्थमेटिक खत्म, 1-1, 2-2 दिन में, 1-1, 2-2 3-3 दिन में, एकदम पूरी शिद्दत से SSC लेवल तक कहां जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन यहां पे मैं तुरंत 1-2 दिन में कैसे अपनी नॉलेज को दे सकता हूं, पढ़ाने की भी कुछ स्टाइल होती है ना, तो मैं अपने स्टाइल से देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया, इसका कॉन्सेप्ट बेसिक में भी दिया, इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे भी दिया। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में, अगला वीडियो का इंतजार करेंगे। ठीक है, वो आपको मतलब तुरंत ही इसके एक दिन बाद ही मिल जाएगा, क्योंकि सीरीज वाइज कपिल जी लगा के रखते हैं तभी वीडियो पब्लिश होता है। तो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, इसके ऊपर अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी फायर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा ये वीडियो को बार बार, 2-3 बार आज ही आप लोग देख लें, ताकि कल जब हम लोग के पास क्वेश्चन आएगी 7-8 क्वेश्चन तो देख देख के बनेगा, क्योंकि आप लोग मेरी आदत तो जानते ही हो, मैं कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा देता हूं, क्वेश्चंस को हलवा की तरह हल करता हूं, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, ओके, गुड बाय, धन्यवाद। स्टडी पे प्यारे बच्चों तहे दिल से आप लोगों को पुनः मैं स्वागत करता हूं, और आज समांतर चतुर्भुज के सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं क्वेश्चंस यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे समांतर चतुर्भुज के, देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, आप सभी बच्चे लोग एक एक चीज पर एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहां पे बताया हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखें सबसे पहले जाके वो कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे जो कल आप लोगों ने देखा होगा,
तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला सवाल आज का क्या है। पहला सवाल है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर को ड्रॉ करते हैं, अगर ये 15 है और यह 7 है। क्वेश्चन कहता है इसके विकर्ण की लंबाई अगर 20 है, अगर एक इसकी विकर्ण की लंबाई अगर 20 है तो क्वेश्चन यहां पे 7 दिखा सकते हैं। तो कहता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप सबों को मैंने यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं और उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जो क्षेत्रफल होगा वह किसका होगा, वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे एस, 20 और 7 27, 27 और 15 42, 42 को जब 2 से हम लोग भागा देंगे तो वहां पे निकलेगा 21। अब यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, अगर इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे रूट अंडर एस, एस की जगह यहां पर बैठेगा 21, एस माइनस ए, एस एस में अगर हम लोग 21 में अगर हम लोग 15 घटाएंगे, 21 में अगर 15 घटाएंगे तो होगा 6, 21 में जब 20 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 21 में जब 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। सभी बच्चे लोग एकदम यहां पर ध्यान से देखेंगे, एकदम गौर से देखिएगा, 14 6 84, 84 को अगर हम लोग यहाँ, ये कुछ नहीं है, ठीक है, एक है, एक का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। 14 6 84, 84 को हम लोग लिख सकते हैं 21 गुना 4। अब यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे 21 निकल जाएगा और यहाँ पे 2 निकलेगा, 21 दूनी 42 जो सेंटीमीटर होगा वो यहाँ पे केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, लेकिन क्वेश्चन कहा है कि उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का निकालने के लिए उस 42 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो वो जो आंसर होगा 84 होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है वो ध्यान से देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है, ये है, ये है, ये 15 है, ये 18 है, सवाल के ऊपर यहां पर डिस्कस किया है, ठीक है, 15 है 18 है, यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, यदि यहां पे 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी यहां पे दिया रहा है, क्वेश्चन में 12 देके रखा है, क्वेश्चन कहता है तो 2 बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इधर से जब हम लोग आधार लेंगे 15, ऊंचाई लेंगे 12, इधर से लेंगे 18, इधर से लेंगे प्यारे बच्चों एच, 12 और 18 को गुना करेंगे तो 180 होगा, 180 को जब हम लोग 18 से भागा दे देंगे तो वहां पे एच का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब एच का यहां पे वैल्यू जो निकलेगा बच्चों वो निकलेगा 10, ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं, तीसरा समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए लगभग 7-8 क्वेश्चन भी है, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत जानदार है, बहुत छोटा टॉपिक है यह समांतर चतुर्भुज, और जितने भी सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सभी एग्जाम्स में एसएससी ने क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। आप लोग किरण पब्लिकेशंस का बुक होगा तो वहां से देख लेंगे, सभी क्वेश्चन में वहीं से है। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके बना सकते हैं, पीडीएफ भी मैं डाउनलोड कर अपलोड कर दिया हूँ। अगला चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये यहाँ पे दिया गया, ये यहाँ पे दिया गया, ये यहाँ पे दिया गया, ये है, इसकी एक भुजा यहाँ पे 60 है, दूसरी भुजा यहाँ पे 40 है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई दी गई है 80। अगर इसके एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर 80 दिया गया है, क्वेश्चन कहता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान देंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, 60 और 40 अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, 80 और 60 140 होगा, 140 में 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180, 180 को जब हम लोग 2 से भागा देंगे तो S निकल जाएगा 90, S बराबर 90 निकलेगा। यहाँ पर हम लोग सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, S बराबर 90 निकलेगा। अब यहाँ पे जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो S बराबर 90, 90 में 80 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10, 60 घटेगा बचेगा 30, 40 घटेगा तो बचेगा 50। अब यहाँ पे हम लोग गौर से देखते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 अगर बाहर हम लोग यहाँ पे निकलेगा तो वो निकलेगा 100, ठीक है, और यहाँ पे फिर 9 से बचेगा 3, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 15, रूट 15। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे ध्यान देंगे 300 रूट अंडर 15 होगा, लेकिन जब यहाँ पर टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 300 रूट अंडर 15 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा 600 रूट अंडर 15 होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। आगे सवाल पर हम देख, कुछ बी होगा नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर एक है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 21 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबी हैं,
इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आप सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेम है इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन हल नहीं करूँगा, आप लोग खुद हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 21, यहाँ पे दिया गया 20, और इसके एक विकर्ण यहाँ पे दिए गए हैं 29। एकदम आराम से क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है 29 दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, इन दोनों भुजाओं के सिरों के जोड़ने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, 20 का वर्ग यहाँ पे 400 है और इसका वर्ग यहाँ पे 441 है, ठीक है, और 29 का वर्ग भी हो जाएगा 841। कहने का मतलब यह पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुने 21 गुने 20 होगा, और पूरा समांतर चतुर्भुज का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे जो आंसर हो गया कितना हो गया 420। इसका जो आंसर होगा बच्चों डी नंबर होगा, ठीक है। एक एक सवाल बहुत बढ़िया है, एक एक क्वेश्चन एकदम मजे से आप लोग देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, एक एकदम सवाल एकदम बहुत मजेदार मजेदार सवाल है, एक एक चीज को देखते चले बहुत मजे से आप लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है। सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके भुजा का अनुपात दिया गया है 5:4, मतलब ये 5x है ये 4x है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है, बड़ी भुजा पर तुगंता 20 इकाई है, यहाँ पर तुगंता मतलब कहते हैं ये, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे उसका क्षेत्रफल, तो छोटी भुजा पर तुगंता क्या है? मुझे यहाँ लगता है कि कोई क्षेत्रफल उत्तरफल से मतलब नहीं है। अगर इधर से हम देखें तो 5x गुना 20 लिख सकते हैं, इधर x से देखें हम लोग तो 4x गुना h लिख सकते हैं। अगर हमें ए एच निकालना, हजार से कोई मतलब नहीं, x से x काट दो, 4 से काटो 5, h बराबर यहाँ पर देखा जाए 5×25 इकाई होगा, ठीक है। तो आगे एकदम क्वेश्चन को देखते चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी एकदम सेम आराम से बना लेंगे। हमने बोला ना यार कॉन्सेप्ट केवल अच्छी अगर है तो मजा आ जाएगा। यह 27 दिया गया है, यह 36 दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है कि छोटी भुजाओं की दूरी, ये छोटी भुजा की दूरी कितनी दी गई है 12, कहता है बड़ी भुजाओं की दूरी ये क्या होगा? कहने का मतलब 12×27 यहाँ पे इधर से लिख सकते हैं, इधर से हम लोग 36×h लिख सकते हैं। 12 क्या 12, 12 या 36, 3 से काटेंगे 9, h का वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगा क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उसका क्षेत्रफल, ये देखिए 2 बार एग्जाम्स में पूछा गया होगा जिसका आंसर यहाँ पे 2 बार आ गया, तो इसका क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25 इकाई, अभी आपने देखा, ठीक है। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, यदि 25 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं के अनुरूप सिरसलम 10 सेंटीमीटर है। सभी मैंने बोला सभी SSC का एग्जाम्स का क्वेश्चन हुआ जो पूछा गया था, टोटल मैंने बोला था, असिस्टेंट हमारे छांट दिए थे तो क्योंकि वहां पे तो लगता है सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन, मतलब इतना क्वेश्चन पूछा गया था, इतना क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ वहां पे लिखा गया होगा, तो उन्होंने देखा कि समांतर चतुर्भुज पर इतने क्वेश्चन हैं, उन्होंने इन सभी क्वेश्चनों को छांट दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं यहां इधर देखिए, ये 20 है और ये 25 है। अब सवाल क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है 25 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं के अनुरूप 25 सेंटीमीटर, इसके अनुरूप में यहां पर अगर लंब दिया गया है 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजाओं के सिरसलम इतना होगा। सेम वही चीज लगाएंगे, 10 गुना 25 बराबर 20 गुने एच, 0 से 0 खत्म, 2 से अगर 25 को काटते हैं एच का वैल्यू जो मिलेगा वो 12.5 सेंटीमीटर मिलेगी। तो आज का हम लोग समाप्त यहीं पे करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का जो होगा वो समचतुर्भुज का होगा, और समचतुर्भुज का अगला टॉपिक हम लोग का जो होगा वो समचतुर्भुज के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयत के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, समलंब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अगला वीडियो हम लोग का जो आएगा वो सम चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सबों को अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहाँ पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। वेलकम, नमस्कार, स्वागत आप सबों को यूट्यूब पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशंस के 2D के चतुर्भुज में अगला चतुर्भुज का जो पाठ है उसका ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आज हम लोग का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट हम लोग का जाएगा वो है रेक्टेंगल, हिंदी में आयत कहलाता है। इसका जो फिगर होता है बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, ये भुजा दोनों बराबर होती है, इसको हम लोग लंबाई कहते हैं, इसको भी लंबाई, ये भी चौड़ाई कहलाता है, ये भी चौड़ाई कहलाता है। इसका डेफिनेशन होता है वैसे समांतर चतुर्भुज जिनके सभी कोणों का मान समकोण हो, वह चतुर्भुज जो होता है वह आयत कहलाता है। इनके ये विकर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनके विकर्ण आपस में बराबर होगा, चाहे इधर से विकर्ण खींचे चाहे इधर से विकर्ण खींचे, हम लोग विकर्ण को बराबर दिखाएंगे। इनके विकर्ण को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे वही ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला पाइथागोरस वाला लगेगा। यह जो ट्रायंगल बन गया वह समकोण ट्रायंगल बन गया, कहने का मतलब है यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे केवल डी का वैल्यू अगर देखा जाए तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर केवल यहाँ पर आप L का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस वाला फॉर्मेट, केवल अगर ये वाला निकालते हैं तो इसके स्क्वायर में से हम लोग B के स्क्वायर को घटा देंगे। यहाँ पे भी ट्रिपलेट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा, अगर यहाँ पे हम लोग B का वैल्यू निकालते हैं तो डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे एल स्क्वायर होगा। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर गौर से देखते हैं इसका परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, परिमाप को इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। परिमाप इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कि इधर से चारों भुजाओं का योग एल एल बी बी, तो कह सकते हैं हम लोग 2L प्लस 2B होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से कॉमन ले लें तो L प्लस बी होगा, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप बराबर। और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। एक एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर L इंटू बी। अगर यहाँ पे L का वैल्यू निकालेंगे तो एरिया बटा B होगा, अगर यहाँ पे हम लोग B का वैल्यू निकालेंगे एरिया बटा L होगा। एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन आता है, दूसरा चीज यहाँ पर ये यह चीज आएगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि लंबाई में यदि x परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होगी, कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर गौर से देखेंगे, यदि लंबाई में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यदि लंबाई में x परसेंट की वृद्धि होगा, x परसेंट की वृद्धि होगा तो चौड़ाई में x बाय 100 प्लस x गुने 100 इतनी की कमी कर देंगे, कमी करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा बराबर रहेगा। या तो क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी कहा जा सकता है, ध्यान रखिए लंबाई चौड़ाई, जब यहाँ पे लंबाई होगा तो यहाँ पे चौड़ाई होगा, जब यहाँ पे चौड़ाई होगा तो यहाँ पे लंबाई होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ये देखेंगे, यदि लंबाई लंबाई या चौड़ाई में, यहाँ पर एक एक चीज पर ध्यान देंगे, x परसेंट की कमी हो तो क्वेश्चंस कहेगा
तो चौड़ाई या लंबाई में x बाय 100 माइनस x गुने 100% की वृद्धि करना होगा ताकि क्षेत्रफल जो होगा हमारा समान होगा। एक एक चीज पर एकदम गौर से देखेंगे। तीसरा है, यदि लंबाई में x परसेंट की वृद्धि या कमी हो तथा चौड़ाई में y परसेंट की वृद्धि या कमी हो तो ध्यान देंगे तो पूरे क्षेत्रफल में हुआ वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 होगा। एकदम एक एक चीज पर ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग। तो ये हम लोग का यहाँ तक कॉन्सेप्ट मैं मिटा रहा हूँ जो मैं लिखा रहा, तो इन सबों पर हम लोग क्वेश्चंस वहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो मैं इन सभी बातों को वहाँ पे उतना तुरंत बता दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक एक चीज पर एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पे ट्रिपलेट बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होगा LBD में, तो आप लोग एकदम ध्यान से, एक एक चीज खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, यह आयताकार मान लीजिए कोई कमरा उमरा है, कोई बगीचा है, इसके अंदर में समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है। ये रास्ता है, ठीक है। रास्ता को मैं रेड कलर से इंडिकेट कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये रास्ता की चौड़ाई यहाँ पे x है, ये रास्ता की चौड़ाई यहाँ पे x है। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए, ये यहाँ पे अगर 50 है, यहाँ पे अगर 40 है, और इसकी चौड़ाई अगर यहाँ पे 5 दी गई है, तो यहाँ पे गौर से देखेंगे 5 इधर भी कम हो जाएगा, 5 इधर भी कम हो जाएगा। कहने मतलब 10 कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी वो 40 होगा। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, अगर यहाँ भी 5 कम होगा, यहाँ भी 5 कम होगा, कहने का मतलब 30 होगा। अगर यहाँ पे रास्ता का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर रास्ता का क्षेत्रफल देखा जाए, तो लंबाई गुना चौड़ाई 50 गुना 40 माइनस 40 गुना 30 होगा। यहाँ पर हम लोग गौर से देखते हैं, 50 गुना 40 जब है 2000 होगा, 40 गुना 30 यहाँ पे 1200 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो 800 वर्ग सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे जब साधारण डाटा दिया गया था तो अब हम लोग ऐसे बनाएंगे, लेकिन जहाँ पे डाटा नहीं दिया गया हो वहाँ हम लोग कैसे करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे, यदि रास्ता अंदर है तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रास्ता अंदर है। यहाँ पे ये चीज पर हम लोग ध्यान देंगे, ये यहाँ पे L है, ये यहाँ पे B है। अगर इसकी चौड़ाई यहाँ पे x है और ये भी x है, तो अंदर से अगर देखा जाए तो L माइनस 2x होगा, क्योंकि इधर भी x कमी, तो L माइनस 2x होगा। इसके बारे में अगर देखा जाए तो B माइनस 2x होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल जब घटाते हैं, तो इधर से हम लोग गौर से देखेंगे तो L इंटू B होगा, और जब इसका क्षेत्रफल इधर से देखेंगे तो हम लोग L माइनस 2x और B माइनस 2x होगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये LB होगा माइनस, जब हमको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी होगा LB माइनस 2LX माइनस 2BX प्लस 2x को 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखेंगे LB माइनस LB होगा प्लस 2LX प्लस 2BX माइनस 4X स्क्वायर होगा। एक LB से एक LB को हम लोग काट सकते हैं, इन सबों से हम लोग एक चीज कॉमन निकाल सकते हैं, 2X इंटू L प्लस B माइनस 2X होगा। यदि रास्ता अंदर है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग इसको लगाएंगे, यदि रास्ता अंदर है तो यहाँ पर A फॉर्मूला लगेगा,
यही अगर रास्ता बाहर हो तब हम लोग वहां पे कौन सा फॉर्मूला को लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पे रास्ता अंदर था, अब यहां पे फिगर देखिएगा आप लोग, ये आयत है और इसके बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है। अगर समान चौड़ाई का रास्ता यहां पे बना दिया गया है और रास्ता की चौड़ाई अगर x है, तो इन कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं अगर ये l, सॉरी ये l है और ये b है, इसको बेसिक से बनाएंगे तो l प्लस 2x हो जाएगा और l प्लस b प्लस 2x हो जाएगा। कहने का मतलब इन कंडीशन में जब यहां पर रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल यहां पर जो होगा वो होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होगा। जब रास्ता अंदर हो तो वहां पर वो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब रास्ता इसके बाहर हो तो फॉर्मूला वहां पर लगेगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। अब एक कंडीशन और होता है बच्चों, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कंडीशंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज एकदम बढ़िया से देखते चलेंगे। एक एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सभी चीजें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगी। वहां पे डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x कहाँ होगा, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x कहाँ होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर कंडीशन इस तरीके से हो, अगर ये आयत है इसकी लंबाई के समांतर में अगर कोई रास्ता बना दिया जाए और इसकी चौड़ाई के समांतर में कोई रास्ता बना दिया जाए, ध्यान देंगे आप लोग, ये रास्ता बना दिया गया है, ये रास्ता पूरा बना है, ये भी पूरा बना है, ये भी पूरा बना है। ये वाला जो पार्ट है वो दोनों तरफ से है, इधर से भी है और इधर से भी, मतलब ये वाला रास्ता में भी है और ये वाला रास्ता में भी है। कहने का मतलब यहां से यहां तक की ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगा और इसको हम लोग कहेंगे यहां पे x। जब हम लोग यहां पर रास्ता का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो टोटल यहां पे इस रास्ता का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा वहां पे lx और ये रास्ता का क्षेत्रफल वहां पे हो जाएगा bx और ये रास्ता का क्षेत्रफल यहां पे देखते हैं x x x और x है। कहने का मतलब उस रास्ता का क्षेत्रफल हम लोग हटा देंगे एक्स स्क्वायर। जब इन सबों से हम लोग x कॉमन लेंगे तो l प्लस बी माइनस एक्स होगा। तो यह इसी तरीके से एक एक फॉर्मेट आप लोग याद रखेंगे ताकि जब क्वेश्चन मैं हल करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग अन अकेडमी पे भी वहां पे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बस आज की यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल खत्म होता है। थैंक यू। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सबों को हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग एडवांस लेवल मेंसुरेशंस के आयत के जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स SSC ने क्वेश्चंस को पूछा है एकदम लेवल से, धीरे धीरे इजी क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक एक सवाल के ऊपर हम लोग एकदम बेहतर तरीके से ध्यान से देखते चलेंगे। पार्ट नंबर ये रेक्टेंगल्स का फायर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस पार्ट नंबर वन होंगे। देखिए इजी क्वेश्चंस नहीं होगा, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको लेवल करके हम लोग आपके बीच में लेके आए हैं। सवाल में ये है, सबसे स्क्रीन पे आपके ऊपर क्वेश्चंस होगा। सबसे पहला सवाल है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं 5:4 है, अगर इनके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5x और 4x है तो इनका क्षेत्रफल अगर देखा जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20x² होगा और इसके बराबर में हमको 500 दिया गया है। अगर 20 से 500 को काटते हैं तो वहां से 25 मिलेगा और एक्स स्क्वायर बराबर जब वहां 25 है, एक्स का वैल्यू जो मिलेगा वहां पे 5 मिलेगा। एकदम ध्यान से देखेंगे तो कहता है इसका परिमाप कितना होगा। 5x का जो वैल्यू होगा बच्चों यहाँ पे 5x का वैल्यू होगा 25 और जो 4x का वैल्यू होगा बच्चों यहाँ पे 4x का वैल्यू होगा 5x20। तो कहता है परिमाप इक्वल टू कितना होगा, तो परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 × 25 + 20 होगा। कहने का मतलब 25 और 20 45 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हमारा जो आंसर होगा वो 90 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे खत्म किए। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे।
किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कहने का मतलब लंबाई अगर यहाँ पे 3x है तो चौड़ाई यहाँ पे 2x है। एकदम ध्यान से देखेंगे 3x और 2x है। इसका परिमाप वहाँ पे कह रहा है 80 मीटर हो, इसका परिमाप वहाँ पे 80 मीटर हो। परिमाप इक्वल टू यहाँ पर ध्यान देंगे 2 × L + B। परिमाप अगर यहाँ पे दे रहा है 80 मीटर तो गौर से देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे 5x 5 × 10x 10x बराबर यहाँ पर 80 है तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 8। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 8 होगा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कहता है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो 2x होगा। तो चौड़ाई यहाँ पर b बराबर 2x है तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो और इसका परिमाप 20 हो। ध्यान से देखेंगे अगर ये 3x और ये 2x है, कहने का मतलब है इसका परिमाप होगा 2 × L × B। तो 3x और 2x अगर देखा जाए तो 5x है, इतना इक्वल टू क्वेश्चन में दे के रखा है 20। 5 × 10 10 × 20 x बराबर जो होगा यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो याद का क्षेत्रफल कितना होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² 6, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 × 6 कितना हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक सवाल, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन को पूछा है, ये नहीं कि हम इजी वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, अब इसके बाद वाला जो होगा उसमें भी क्वेश्चन, तो इतने सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोग PDF भी जरूर डाउनलोड किए होंगे, PDF में भी देखिएगा सेम क्वेश्चन यही है। आपके पास अगर किरण प्रकाशन का अगर मोटी वाली बुक होगी 8700 वाली तो वहां पर भी क्वेश्चन देखिएगा यही है। एक एक सवाल में लेकर आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं आज क्या है, यदि किसी आयत के 2 संलग्न भुजाएं के अनुपात 4:3 है, ये 4x और ये 3x है, गौर से देखिएगा यदि इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 12x² और 12x² बराबर 192 दिया गया है। 12 से जब 192 को काटेंगे तो 16 होगा, x² बराबर 16 होगा, x का वैल्यू जो होगा कितना होगा 4 होगा। जब x का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4x का वैल्यू जो होगा वो 16 होगा ध्यान से दिखेंगे, और यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे 12 होगा। कहने का मतलब परिमाप बराबर 2 × L + B, इन दोनों को जोड़ने पर 16 और 12 जो होगा वो 28 होगा, 28 × 2 यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 56 वर्ग मीटर होगा, मतलब 56 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया गया है। एकदम ध्यान से देखिएगा लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया गया है 2 × L + B, ये 5 दिया गया है और उसकी अनुपात दिया गया सॉरी 18 दिया गया 2 × L + B बराबर ये दिया गया 18, 5:18 दिया गया, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे लंबाई और चौड़ाई के अनुपात यहाँ पर, अगर एक आयत की लंबाई मतलब L × 2 और परिमाप 2 × L + B इसका अनुपात दिया गया 5:18, एकदम ध्यान से देखेंगे इसको यहाँ से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 9 L L + B, जाहिर सी बात है 5 5 + 4 होगा तभी वहाँ पे 9 होगा। तो कहता है लंबाई और चौड़ाई की अनुपात कितनी होगी, लंबाई अगर यहाँ पे 5 है तो चौड़ाई जाहिर सी बात है 4 है, और इनके बीच का अनुपात अगर देखा जाए तो जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:4, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा। तो जैसे जैसे एकदम एक एक सवाल है वैसे वैसे चलेंगे। अभी जिनका जिनका एग्जाम्स है मैं फायर सॉल्यूशंस भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ध्यान से एकदम देखते चलेंगे, एक एक चीज के बारे में बता रहा हूं मैं, गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है तदनुसार उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम करें ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर 60% बढ़ाई गई है तो कमी बराबर 60/160 × 100 होगा, 20 × 8 = 20 8 से काटेंगे 12.5, 12.5 को 3 से गुना करेंगे 37.5% होगा,
कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सिक्स, इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ। यदि लंबाई को और चौड़ाई को दो गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यदि लंबाई को यहाँ पे दो गुना और चौड़ाई को भी दो गुना कर दिया जाए, प्रारंभिक एक घटा देंगे और कहता है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर जो वृद्धि होगा वो कितने होगा, 300% की वृद्धि होगी। या तो आप लंबाई चौड़ाई को कुछ मान लीजिए और दुगुना दुगुना करके देख लीजिए। मान लीजिए लंबाई माना हमने 5, चौड़ाई माना 4, तो क्षेत्रफल हो गया 20। जब यहाँ पे लंबाई हम मानेंगे दुगुना करेंगे 10, ये हो जाएगा 8, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 80, बढ़ा कितना 60 बढ़ा, तो 60 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो यहाँ पर भी आंसर इसका आपका आएगा 300%। क्वेश्चन नंबर आठवां के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। 4 मीटर और 3 मीटर भुजा वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। मेरे कहने का मतलब ही नहीं कुछ, एल बराबर 4 है, बी बराबर 3 है, तो डी बराबर ट्रिपलेट को यूज करेंगे, 4 का हॉल स्क्वायर 3 का हॉल स्क्वायर भी करेंगे तो भी वही आपको मिलने वाला है 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल दिया गया है, यदि आयत का क्षेत्रफल यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है L इंटू बी बराबर 120 वर्ग मीटर और इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया गया 46। कहने का मतलब है L प्लस बी का जो मान है वो 23 होगा, एकदम गौर से देखेंगे। और L इंटू बी, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इसको बेसिक से बनाएंगे बहुत लेंथी जाएगा, कोई मतलब है ही नहीं। अगर L इंटू बी के जगह 15 गुना 8 करें तो भी 120 आएगा और 15 प्लस 8 करें तो भी 23 आएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। L तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो ये 15 और 8 है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ट्रिपलेट को यूज करेंगे तो D बराबर यहाँ पे हो जाएगा 17। एक एक सवाल एकदम बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लोग पढ़ते चलेंगे, पूरी मेंसुरेशन की यहाँ पे मैं बता दूंगा। और एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर एनीबॉडी कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है कॉमर्स क्लासेस के लिए, तो आप लोग बेहतर तरीके से जाके एक चैनल का मैं नाम बता दे रहा हूँ, माथुर सर कोलकाता में पढ़ाते हैं ये, तो आप लोग इनका चैनल फॉलो जाके कर सकते हैं और बेहतर तरीके से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आप लोग अनअकैडमी पे मैं तो अभी बहुत धांसू और मैं लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सर वहाँ पढ़ने में मजा नहीं आता, ऐसा कुछ बात नहीं है, पढ़िए बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर भी, ठीक है एकदम, वहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो बस आज के लिए हम लोग यही चैनल पे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास आज हम लोग लेके आए हैं एडवांस लेवल फायर सॉल्यूशंस रेक्टेंगल का आयत का, इसका पार्ट वन भी पढ़ा है और इसका बेसिक लेवल भी पढ़ा है। प्यारे बच्चों, मैं फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये नहीं कि फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अभी देखिए मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, क्वेश्चन देखा ना तो आंसर आएगा। तो इसके लिए अगर आप अगर पीछे वाला पार्ट वन और इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं मना करूंगा इस वीडियो को मत देखिए, पहले जाके वहां पे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है गाजर मूली की तरह क्वेश्चन को काटता हूं। तो आप लोग सबसे पहले जाके वहां पे बेसिक वाला देखिए। चलिए रेडी हो जाइए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं रेगुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे होगा, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:6 है, लंबाई और परिमाप 2 × L + b, इसका अनुपात 5:16 दिया गया, अगर 2 से इसको हम काटते हैं तो 8 होगा। लंबाई L प्लस बी ये 5 है और ये 8 है, आप मुझे बताओ अगर ये 5 पहले से है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो सवाल में कहता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, तो यहां पर ये L के जगह पर 5 है और यहां पर अगर हम 5 रखते हैं तो चौड़ाई जाहिर सी बात है 3 ही होगा, तभी वह 8 होगा। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात होगी वो 5:3 होगा। तुरंत देखा ना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 2 मीटर, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। ये देखिए ये बगीचा लगा है, उद्यान मतलब बाग, 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है इधर से, ठीक है। ये ध्यान दीजिए ये 200 मीटर है और ये 180 मीटर है, यहां पर रास्ता की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है, तो कहता है रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा। अब लोगों को मैंने फॉर्मेट बताया था, रास्ता का क्षेत्रफल अगर बाहर है 2x × L + b + 2x, फॉर्मूला कहां से आता है ये भी मैंने बताया था,
जाके कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, अगर 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 380 होगा, और 380 में अगर 20 को प्लस करेंगे तो 400 होगा, और 400 में जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर वहां पे हो जाएगा 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की ओर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में। तो आप लोगों को ये ना लगे कि सर फास्ट बता रहे हैं, फास्ट कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये तो एकदम 30-30 सेकंड का है, फायर सॉल्यूशंस है, कॉन्सेप्ट जाके पढ़िए, मजा आएगा। ध्यान से देखेंगे, अधिक किसी आयत के एक विकर्ण, एकदम गौर से देखेंगे, अधिक किसी आयत के एक विकर्ण, विकर्ण दिया गया 25 यहां पे, गौर करेंगे, तथा इसका क्षेत्रफल 168 है, क्षेत्रफल बराबर एल बी होता है, जब ये 25 है जाहिर सी बात है ये 24 ही होगा और ये 7 होगा। देख लीजिए 24 सते 168 होगा। क्वेश्चन कहता है तो आयत की लंबाई कितनी होगी, 24 होगी। क्या मैंने यूज किया, ट्रिपलेट को यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसलिए जो बच्चे लोग नहीं देखे हैं, आप अगर हमसे पढ़े हैं, अगर पहले शुरू से अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज वाइज हम लोग पढ़ते हैं। जो बच्चे लोग रेगुलर होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि इतना आराम से शॉर्टकट शॉर्टकट हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जो भी ये सभी सवाल आपके एसएससी ने क्वेश्चंस को पूछा है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखते हैं, आपके स्क्रीन पे होगा। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपया खर्चा किया गया। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल कितने खर्च होंगे। सवाल, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक खेल का मैदान है आयताकार, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपया लगाया गया। अगर हम 1000 रुपया लगा रहे हैं जिसमें 25 पैसा है, तो 25 पैसा को हम लोग नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1/4 लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1/4 लिख सकते हैं। तो यहां पर 25 को देखिएगा, 25 पैसा है, इसको हम काट के 1/4 लिखेंगे, और 1/4 जब ऊपर चला जाएगा तो उस खेत का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 8000। इन कंडीशंस में ध्यान में देखिएगा, जब भी आयत दी गई थी और वहां पर लागत अगर वर्ग मीटर में होगा तो वो जो होगा उसका क्षेत्रफल होगा, लागत अगर प्रति मीटर में दिया गया होगा तो उसका परिमाप होगा। कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल है 800, और सवाल में दिया गया है उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। अगर उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, क्षेत्रफल से चौड़ाई में जब भाग देते हैं तो यहां पर मिलेगा हम लोगों को कितना, 80। ये मिलेगा उसका क्या मिलेगा, लंबाई मिलेगा। क्वेश्चन कहता है मैदान की लंबाई 20 बढ़ा देंगे, जब 20 बढ़ा देंगे तो नई लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 100 होगी, और नई चौड़ाई मतलब चौड़ाई तो वही होगा 50, ठीक है, और वही 25 पैसे की रेट से ये टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा यहां से यहां तक, और वही 25 पैसा लगेगा, मतलब 1/4, 4 से जब हम लोग इसको काटेंगे हो जाएगा 25, और 25 को 50 से गुना करेंगे, अब की जो लागत होगी 1250 रुपया लगेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो हम लोग देखेंगे। एक एक सवाल एकदम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यू एक आयत ए बी सी डी के अंतर्गत एक बिंदु अधि क्यू ए दिया गया है, ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं, यहां पे अंदर पे कोई बिंदु अगर क्यू दिया गया है, और ये क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, बी क्यू की लंबाई यहां पे कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और क्यू सी की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्यू डी की लंबाई क्या होगा। इन कंडीशंस में मैंने वहां पे वो लिख के बताया था कि यहां से यहां तक का स्क्वायर जो होगा, कहने का मतलब यहां पे ए क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, एकदम ध्यान से देखेंगे, 3 का स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर 25 और 9, यहां पर 34 होगा, और बी क्यू स्क्वायर में 16 प्लस डी क्यू स्क्वायर। अगर 16 इधर लाके हम लोग माइनस कर देते हैं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, तो 16 अगर माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 अगर डी क्यू का मान यहां पे निकालेंगे तो 18 का रूट निकलेगा, रूट निकलेगा तो 3√2 होगा। कहने का मतलब है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो एकदम एक एक चीज पर एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, एक एक चीज एकदम पढ़ते चलेंगे, एक एक नोट्स बनाते चलेंगे। इतना मजेदार नोट्स बनेगा जो आप कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकते हैं, कभी सपनों में नहीं सोच सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बताया था, मेरी सोच ये नहीं है कि मैं 10 वीडियो बना के कंप्लीट कर दूं, मेरी सोच ये है कि मैं अधिक से अधिक वीडियो बना के आपको मैं पूरी क्वेश्चंस और पूरी जानकारी दूं। क्वेश्चन नंबर छठवां, क्वेश्चन नंबर छठवां यहां पर इस बात पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एकदम ध्यान से देखेंगे, ये 7:4 है, ये 7x है भाई, ये 4x है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर का चौड़ा रास्ता है, यहां पर 4 मीटर का चौड़ा रास्ता है। एकदम आराम से देखेंगे, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता 416 क्षेत्रफल है, मतलब रास्ता का क्षेत्रफल 416 है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितना होगा। यहां पर ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया, यहां पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 7:4। ऑप्शंस में 14 है और 15 है, इसको सबसे पहले हटा लेंगे। अगर आप लोग कहीं इसको बेसिक से बनाते हैं तो मैं बता देता हूं, बेसिक अगर रास्ता बाहर होगा तो 2×4+11x फिर +8 बराबर, ध्यान से देखेंगे, बराबर 416 दिखा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला वही होता है ना, 416। चलिए हल कर देंगे ना, अभी कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर नहीं कर पाए नहीं कर पाए, देख लीजिए 8 है, 4×8 8 से, चलिए 8 को काटते हैं, 8×5=40, 8×16=52, 52 उधर जाके और घट जाएगा, 11x=52 में 8 घटेगा 44, x बराबर हो जाएगा 4, जब x बराबर 4 होगा चौड़ाई बराबर कितनी होगी, 4×16। इसी को मैं ऑप्शन से लगा रहा था कि 14 15 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि चौड़ाई बोला है, चौड़ाई 4 से कटना चाहिए, तो 28 हम नहीं लेते, हम मेरे दिमाग में 16 ही चल रहा था। अगर यहां पर 16 बैठा दिया जाए तो आप लोग देख लीजिए, अगर यहां पे 11 अगर आप 16 बैठा देंगे तो नॉर्मली जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप उसकी लंबाई क्रमशः, एक आयत की परिमाप, परिमाप होता है 2×L+B, 2×L+B बराबर 40 दिया गया है और लंबाई 12 मीटर है। गौर करेंगे, अगर यहां से यहां तक का वैल्यू निकालेंगे तो 20 होगा, तो यहां पर अगर लंबाई अगर हम लोग 12 बैठाते हैं, 12 में कौन ऐसी संख्या को ऐड करेंगे कि वह 20 होगा, दैट मीन्स इसकी चौड़ाई जो होगी कितनी होगी, 8 होगा, 8 मीटर। अगला सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एकदम यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एकदम बहुत मजा आएगा अगर आप लोग शुरू से पढ़े हैं तो। उसका क्षेत्रफल दिया गया है, मैं अच्छा देखते हैं, परिमाप होता है 2×L+B बराबर ये 34 दिया गया है, कहने मतलब L+B बराबर 17 होगा। तुरंत हमारे दिमाग में आता है और आपके भी दिमाग में आएगा, यार अगर इसको अगर हम लोग 12 ले लें और इसको 5 ले लें तो 12 और 5 कितना होगा, 17 होगा। लेकिन चेक करना यह भी होगा कि क्या क्षेत्रफल 60 होगा या नहीं होगा, 12×5=60 होगा, बिल्कुल इसका विकर्ण पूछा, 12 और 5 है तो कितना होगा बच्चों, 13। जादू कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, बेहतर तरीके से आप बनाएंगे। शुरू से अगर आप नहीं पढ़े होंगे बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग एकदम एक एक चीज पर मैंने शुरू से बताया था, ठीक नहीं, जितने भी जन है अगर कंटिन्यू वो देख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी आपको और मजे से समझ में आएगा। ठीक है, सब लोग मेंसुरेशन से भागते हैं, डरते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई भी चैप्टर्स नहीं है। एडवांस के चैप्टर जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक्स अलजेब्रा और अधिक इंपॉर्टेंट लगेंगे इनसे, अब देखोगे तब ना। इसलिए मेंसुरेशन का अगर आप फॉर्मेट ही नहीं जानते होंगे, फॉर्मूला ही नहीं जानते होंगे, तो आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आपको इन सभी को पढ़ना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए